बंद कर दी गई हैं इस झूमर की वजह से। पूरा हॉल अब खाली हो रहा है। यहाँ पे चूमा है नदर व्लॉग पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप तेरे से होंगे। आज हम शूट करने आए थे लिंक हॉल के अंदर और यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो गई। यहाँ पूरे गीले हुए हैं हम, ये देख सकते हैं आप। ये हॉल का हॉल है और प्रोग्राम बढ़ चुका है पूरी तरह से। हम पूरे गीले हुए हैं बारिश में। ठीक है समरिया, बाकी अभी दुल्हन भी आ गई है। जब दुल्हन आएगी तो हम शूट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे भी। अभी बाहर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है। देख सकते हैं बाहर के हालात, बारिश हो रही है फुल यहाँ पे। आप यहाँ का माहौल, ये भाई भी अपना लाइट समेटते हुए, और ये हमारे उसामा भाई। उसामा कुछ कहना चाहेंगे इस बारिश के बारे में? नहीं बस भाई क्या कहें, बारिश हो गई तो काम स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, वरना फिर भाई तुम्हारी। हाल का व्यू है, बिल्कुल ओपन एरिया है और बारिश हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और अभी काम रुका हुआ है। अच्छा बिल्कुल काम नहीं हो रहा, प्रोग्राम बिल्कुल तरीके से उड़ चुका है, ये देख सकते हैं आप। और दूल्हे दुल्हन भी अभी तक अंदर बैठे हुए हैं, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। तो भाई अपनी शादी कुछ ऐसे बारिश के दिनों में करें कि जिसकी छत हो, जिसका आपका शोर आराम से हो सके। अच्छा हमको सिखा रही है। और हमारे उसामा भाई से भी हम पूछेंगे। उसामा भाई तो आप शादी ऐसी जगह करिएगा जिसमें छत हो, सही है ना? वरना इसी तरह आपका भी प्रोग्राम बढ़ जाएगा, सही है इसकी कॉल। तो मेरा जो है ना लेडीज़ों से गुजारिश है बारिश वाले दिनों के अंदर कि वो ट्रांसपेरेंट मेकअप करें, कि पानी जितना भी लगे मेकअप नहीं उतरना चाहिए। वरना काम नहीं होगा भाई। बिल्कुल सीधी और साफ बात है, ये हमारे हंस रहे हैं लेकिन ये साफ बात है भाई, सीधी बात है। तो मैं तो अपनी बेगम को बारिश के दिनों में शादी हम करेंगे नहीं पहली। तो भाई बारिश होने की वजह से हमने प्लान बनाया कि ब्राइड का शूट हम रूम के अंदर करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़। ठीक है, बाहर तो नहीं हो सकता क्योंकि आप देख सकते हैं बाहर का माहौल पूरा जो है बारिश से लबालब हुआ हुआ है। बिल्कुल भी जो है ना प्रोग्राम नहीं हो सकता यहाँ पे जो है ना। तो हमने फैसला किया हम छोटे बम लगाएंगे अपने कैमरे के अंदर, मतलब ग्रुपिंग लेंस, जिससे छोटे कमरे में भी शूट हो जाता है। तो हम उस शूट से हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ जो है मुसलसल बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम तक नहीं ले रही, और लोग जो हैं सीट पे बैठे हुए भीग रहे हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, लोग यहाँ पे भीग रहे हैं बैठे हुए, बारिश हो रही है। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। भाई यहाँ पे जो है फिर से बहुत तेज बारिश हो गई है, और हमारे कैमरे भी हैं हमारे साथ और भी फोटोग्राफर हैं हमारे साथ। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस मुझे यहाँ पे कि जो लेडीज़ें मेकअप करवा के आई हैं ना, बस उनकी फीलिंग्स हम बयान नहीं कर सकते। बाकी इट्स ओके, अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हम भाई बैठे हुए हमारे बारिश के मजे लेते हुए, और खाना खुल चुका है। शफीक अहमद रोटी खुल चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। उसामा भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता। रोटी खोल दो शफीक अहमद। A few moments later. अब तो प्रोग्राम बढ़ चुका है और रोटी भी खुल चुकी है ना। अहमद ने रोटी भी खोल दी है। शफीक अहमद ने रोटी भी खोल दी है। ये जो हमारा कैमरा है ना यार, ये कैमरा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स आती हैं। निकॉन देख सकते हैं आप, क्या बात है। दूसरी गर्लफ्रेंड है हमारी, क्योंकि पहली हमारे पास है ना, इस वजह से ये हमारी दूसरी गर्लफ्रेंड है। हाय गर्लफ्रेंड, अरे तू आ गया क्या? देख सकते हैं हॉल माशाल्लाह भीगता जा रहा है, खराब हो जाएगा मैं मार। आप लोगों से गुजारिश है कि जून जुलाई और अगस्त में जो है ना, देख के जब पेशन गोई हो रही हो ना, तो पेशन गोई होने में आप नहीं रखे हैं जो है ना अपना इवेंट, वरना तो इस तरह बढ़ जाएगा जिस तरह ये बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हो बारिश पीछे, देख सकते हो आप किस तरह बारिश हो रही है पूरे इवेंट में, और हमारे कैमरे भी जो हैं भीग जाएंगे, इसलिए हम छत के नीचे खड़े हुए हैं। ठीक है, आंधी है, तूफान है, खाना नहीं छोड़ेंगे, मेकअप उतरे कुछ भी हो, नहीं खाना नहीं छोड़ेंगे हम। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप?
ये देख सकते हैं आप माहौल बारिश का, और बहुत तेज मजीद बारिश बढ़ती चली जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। आए हाय हाय, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, लेकिन लोग खाना, अल्हम्दुलिल्लाह लोग खाना खाना नहीं छोड़ रहे। कि इतना नहीं खाना होता बे। ये बात माननी पड़ेगी, हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, सलाम पेश करने पड़े। बारिश हो या कुछ भी हो, खाना नहीं छूटना चाहिए। सलाम है भाई, मेकअप उतरे कुछ उतरे, लेकिन कढ़ाई मिस नहीं होगी हमसे आज, कढ़ाई मिस नहीं होगी बॉस। यहाँ पे इतना गेम है, गेम ही हुई है कि मैं बस क्या बताऊँ। अगर सेंटर में चले जाऊँ ना, मैं दब जाऊंगा, मैं नजर नहीं आऊंगा, मुंह इधर उधर मुंह लगेंगे लोगों के, और कुछ नहीं होगा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये हमारे भाई हंस रहे हैं, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, सीरियस बता रहा हूँ मैं। ब्रायग्राम गुजारिश है, जिन्होंने खाना खा लिया है, बारिश के बहाने से बाहर मत जाइएगा, लिफाफे देकर जाइएगा। भाई बारिश के उससे बाहर नहीं जाना, लिफाफा देके जाना, ऐसा ऐसा नहीं करना है बिल्कुल आप लोगों ने, ठीक है भाई। तो भाई हम तीनों की तरफ से जो है इस बारिश में इतना महंगा मेकअप करने के बाद भी मंड के खाना खाया, कोई टेंशन नहीं किया। इस बार मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि मेकअप की कोई फिक्र नहीं की, तो इन सारों को हमारी तरफ से, हम तीनों की तरफ से सैल्यूट है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ओ बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है, लोग यहाँ पे जो है पूरी तरह से भीग चुके हैं और हम भी भीग चुके हैं, देख सकते हैं आप कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत स्टेज पूरा भीग चुका है, आवाम खड़ी हुई है, बारिश में नहा रही है, फुल इंजॉय हो रहा है और हमारा भी इंजॉय आ रहा है, फुल इंजॉय हो रहा है। यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही है, जैसा आप देख रहे हैं हॉल का ये पूरा झूमर नीचे गिर चुका है, ठीक है। और देख रहे हैं झूमर जो लगा हुआ है, ये वाला हॉल का टूट के नीचे गिरा है, हॉल की पूरी डंडी टूटी है, ये नीचे गिरा, नुकसान किसी को नहीं हुआ, लेकिन बारिश ने से ये नुकसान हुआ है। यहाँ पे लाइटें बंद कर दी गई हैं इस झूमर की वजह से, पूरा हॉल अब खाली हो रहा है, यहाँ पर बहुत जो है ज़्यादा रश हो गया है, और इस झूमर की वजह से जो गिरा है पूरा हॉल खाली हो चुका है। हॉल की एक और छत नीचे गिरी है झूमर के साथ, आप देख सकते हैं बारिश बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ बारिश है। ये देखें एक और झूमर नीचे गिर गया है, और ये सारे जो है यहाँ से भाग रहे हैं, देख सकते हैं आप वो वाला झूमर जो है नीचे गिरा है उल्टे हाथ की तरफ, और बाकी झूमर ये भी लग रहा है कि गिर ना जाए, बाकी हाल खाली हो चुका है, और बहुत शदीद तेज़ वाली बारिश है, बहुत लोग परेशान हैं, और ये पूरा हॉल खाली हो चुका है, देख सकते हैं आप बिल्कुल हॉल ही खाली चुका है, वाला झूमर भी टूटा हुआ है, ठीक है। और हम भी यहाँ से निकल रहे हैं, तो भाई अब हम घर जा रहे हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अब देखो घर भी किस तरह पहुँचेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। चलो।